चलिए जानते हैं मेसेंटेरिक लिम्फ नोड्स से जुड़ी सवालों के जवाब। मेसेंटेरिक लिम्फ नोड्स का क्या मतलब है? मेसेंटेरिक लिम्फेडेनाइटिस का सबसे आम कारण एक वायरल संक्रमण है, जैसे गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जिसे अक्सर पेट फ्लू कहा जाता है। ये संक्रमण पतले ऊतक में लिम्फ नोड्स में सूजन का कारण बनता है, जो आपकी आंत को आपके पेट की दीवार के पीछे जोड़ता है। लिम्फ नोड्स क्यों सूज जाते हैं? लिम्फोसाइट्स वायरस, बैक्टीरिया और अन्य चीजों पर हमला करते हैं, जो आपको बीमार करते हैं। जब आप हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस या अन्य कीटाणुओं से लड़ रहे होते हैं, तो हमारा शरीर इन प्रतिरक्षा कोशिकाओं का अधिक उत्पादन करता है, ये सूजन का कारण बनता है। मेसेंटेरिक लिम्फ नोड्स का साइज कितना होना चाहिए? सामान्य तौर पर ये नोड छोटे होते हैं, जिनका माप 5 मिलीमीटर से कम होता है। अन्यथा स्वस्थ आबादी में पाए जाने वाले ऐसे नोड चिकित्सकीय रूप से महत्वहीन होते हैं। मेसेंटेरिक लिम्फ नोड्स का इलाज कैसे होता है? ब्रह्मा होम्योपैथी एक साइंस बेस्ड रिसर्च क्लिनिक है, जहां मेसेंटेरिक लिम्फ नोड्स का उपचार लक्षणों के प्रबंधन, दर्द को खत्म करने और रोग की प्रगति को रोकने तथा पूर्ण निदान के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जीवन की बेहतर गुणवत्ता के लिए शुरुआती पहचान और समय पर मेसेंटेरिक लिम्फ नोड्स का उपचार आवश्यक है। ब्रह्मा होम्योपैथी में सही डाइट प्लान के साथ सही मेडिसिन से सटीक इलाज किया जाता है। दुनिया भर से अनेकों लोगों ने ब्रह्मा होम्योपैथी से उपचार कराकर असाध्य रोगों से ठीक हो रहे हैं।